हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिंपल रेसिपीज। और हर बार की तरह मैं आज आपके लिए फिर से नई रेसिपी लेकर आई हूँ। आज की मेरी रेसिपी है वेज पुलाव। ये देखिए फ्रेंड्स, कितने खिले खिले चावल बने हैं, बिल्कुल एक एक दाना अलग है। तो मैं आपको बताऊंगी कि हम किस तरीके से ऐसा चावल बना सकते हैं ताकि हमारा पुलाव अच्छा बने। यहाँ मैं 2 कटोरी दावत बासमती राइस लिया है। चलिए चावल को अच्छे से पहले धुल लेते हैं और अब चावल को आधे घंटे के लिए हम फूलने के लिए रख देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक बर्तन में पानी गर्म करने के लिए रख दिया है। पानी गर्म हो चुका है, अब हम उसमें चावल डाल देते हैं। ऐसा हम इसलिए करेंगे ताकि चावल का जो चिकनापन होता है, माड़ होता है, वो निकल जाएगा। हमें सिर्फ एक उबाल आने तक चावल को पकाना है। ये देखिए, मैंने चावल को 5 से 6 मिनट तक गर्म पानी में अच्छे से पका लिया है ताकि उसका चिकनापन निकल जाए और जिससे हमारे चावल बिल्कुल खिले खिले बनते हैं। तो अब हम चावल को छानकर अलग निकाल लेते हैं। यहाँ मैंने 1 कटोरी सोयाबीन की बड़ी ली है, उसे उबालने के लिए रख देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, सोयाबीन की बड़ी में उबाल आ चुका है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और सोयाबीन की बड़ी को ऐसे गर्म पानी में रख देंगे ताकि वो और अच्छे से फूल जाएगी। ये देखिए, सोयाबीन की बड़ी हमारी 5 मिनट के बाद और फूल गई है गर्म पानी में रखे रहने से। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सोयाबीन को पानी बिल्कुल निचोड़ कर निकाल दिया है और छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। इसे हम हाथ से छोटे छोटे पीसेस मैश करके कर लेंगे। चलिए, ऑयल गर्म हो चुका है, अब हम मसाले ऐड कर देते हैं। यहाँ मैंने तेज पत्ता लिया है, लौंग ली है, काली मिर्च के दाने, दालचीनी, एक बड़ी इलायची, करी पत्ता और जीरा। सारी चीज़ों को हम एक एक करके ऐड कर देंगे। बस चटकने तक हमें थोड़ा सा भूनना है। उसके बाद हम अब प्याज डालकर भून लेंगे। चलिए, हमारी प्याज भून गई है, अब हम लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देते हैं। मैंने किसा हुआ लहसुन अदरक यूज किया है। यहाँ मैं 3 हरी मिर्च ली है, उसे भी मिक्स कर लेंगे। अब मसाले ऐड करना शुरू करते हैं। धनिया पाउडर, गरम मसाला, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर। चलिए, मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और गैस की आंच हमें स्लो रखनी है ताकि मसाले जले नहीं और अच्छे से भुन जाएं। अब कटे हुए टमाटर डाल देते हैं, उसे भी अच्छे से भून लेंगे। आप चाहें तो टमाटर की प्यूरी भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए, अब गोभी ऐड कर देते हैं। गोभी को मैंने नमक डाल के 10 मिनट के लिए उबाला है ताकि गोभी हल्की पक जाए और पुलाव में जल्दी से कुक हो जाएगी। चलिए, अब गाजर भी ऐड कर देते हैं। गाजर के मैंने छोटे छोटे पीसेस करे हैं। गाजर वैसे भी जल्दी पक जाती है। आप अपने पसंद की कोई भी सब्जी पुलाव में ऐड कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। अब हरी मटर भी डाल देते हैं और सारी सब्जियों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चलिए, अब ढक्कन लगा देते हैं और गैस की आंच हमें स्लो रखनी है और 10 मिनट के लिए हमें सब्जियों को कुक होने देना है। चलिए, 10 मिनट हो चुके हैं, सब्जियां कुक हो गई हैं। अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक बार सारी सब्जियों को। अब हम इसमें सोयाबीन की वड़ी ऐड कर देते हैं, उसे भी अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। चलिए, अब नमक डाल देते हैं सारी सब्जियों में हम। अच्छे से मिक्स कर लें। चलिए, अब चावल जो हमने छान कर रखा था उसे भी मिक्स कर लेते हैं। चलिए, अब चावल को हम मिक्स करना शुरू करते हैं। सारी सब्जियां और मसाले एक बराबर मिक्स होने चाहिए चावल में और बहुत ही आराम से चावल में मिक्स करें, वरना चावल टूट जाएंगे। थर्ड तरफ से मिक्स करते जाएं। चलिए, आप पानी डाल देते हैं। मैं आधा कटोरी पानी और यूज करूंगी ताकि हमारे चावल अच्छे से कुक हो जाएं। चावल कच्चे भी नहीं रहने चाहिए और
और ज़्यादा गीले भी नहीं होने चाहिए और अच्छे से हमें मिक्स करना है। चलिए अब ढक्कन लगा देते हैं और गैस की आंच को स्लो कर देंगे और 10 मिनट के लिए पुलाव को कुक होने देंगे। चलिए 10 मिनट हो गए हैं, हमारा पुलाव रेडी हो गया है। चलिए अब हरी धनिया भी डाल देते हैं पुलाव में, जिससे इसका फ्लेवर और बढ़ जाएगा। ये देखिए, मैं दिखाती हूँ आपको कितने खिले खिले चावल बने हैं, एक एक दाने बिल्कुल अलग हैं। तो आप ऐसे ही बनाइएगा, जिससे हमारे पुलाव बहुत ही अच्छा बनता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा वेज पुलाव रेडी हो गया है। ये देखिए बिल्कुल एक एक दाने अलग हैं, तो आप भी ऐसे ही बनाइए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में मेरी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपीज़ कैसी लगती हैं।